आज हम बनाएंगे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, समझ रहे हो ना? आपको जहां दिक्कत है वो पूछ सकते हो। और टॉपिक रहेगा कौन सी, इंटीग्रेशन। एक वो प्रॉब्लम दे दे, आ गया सॉल्यूशन, समझिए। सवाल कह रहा है कि इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स, इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 1 to 8 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से इसका इंटीग्रेशन करना है। प्रतिस्थापन विधि समझते हो ना, जेड वगैरह मान के बनाना है इसको, ठीक है? आवाज भी ठीक है, चलो। प्रतिस्थापन विधि से इसको बनाना है। कोई भी सवाल इंटीग्रेशन का है तो आई लिखने में कोई गुनाह नहीं है, चाहे कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। 1 upon x + 4 - x² dx। अब इसमें क्या करें हम बताओ, आपका मन क्या कर रहा है? इसको होल स्क्वायर में सेट करने का मन करेगा, ऐसा जब भी जहां भी दिखेगा। बताए थे इस टाइप का सवाल, हम बोले ना कि डिफिनिट इंटीग्रेशन है, इनडिफिनिट में ये सब बताए हैं, खाली इसमें लिमिट लग गया है तो ये नया है। 7.4 में बता दिए थे, आई पढ़ा रहे, बता रहे किसका, आई हम पढ़ा दिए थे बहुत पहले, लेकिन अब रिवाइज होना चाहिए था ना, बनेगा। इसमें से एक माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस वाला, प्लस वाला, फिर प्लस वाला, यहां तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब होल स्क्वायर सेट करने का ट्रिक बताए थे कि ये स्क्वायर है उसमें का एक्स ले लो, एक्स का जो गुणक है उसका आधा, गुणक 1 है तो उसका आधा, और यही घटा लीजिए। घटाओ में कौन सी, बस तोड़ के देखो इतना आ जाएगा। ए स्क्वायर 2ab करेंगे तो ही मिलेगा, बी स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आई कट जाएगा, खाली कौन सी हो जाएगा। तो ये ट्रिक से सेट होता है, ट्रिक से। जैसे मान लो कहीं पे कोई आदमी दे दे कि x² + 4x + 5 को ट्रिक से सेट करो, तो ए x 4 का आधा, यही घटा लो 5 जोड़ दो, x + 2 का स्क्वायर, 5 में से 4 गया 1, तोड़ के देखो ना उतने आएगा। तो ये सेट हो गया होल स्क्वायर में। देखो ये ब्रह्मास्त्र ट्रिक बताए थे 4 का आधा 2 करने की, क्योंकि देखे कि बच्चों को बड़ी दिक्कत होता है। अब वो जब तक नहीं बताए थे तो बच्चा लोग ऐसे समझते थे, इसको तोड़ते थे, देखो a² + 2a। अब भी यहाँ फिर सोचेगा लोग क्या लिखें कि 4 आएगा तो 2x2 होना चाहिए, फिर b² लिखेंगे, फिर ही घटाएंगे, फिर ही 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर इतना में जो है, इतना में हम अपना पूरा दिमाग, पूरा अपना बुत्ता झोंक दिए कि इसमें हो क्या रहा है। तो हो ही रहा है कि यहाँ पे जो है ना, उसका अधे ना आप लिख रहे हो, इसका तो हमें, चूंकि 2 तो यहाँ रहेगा ही, इसका अधे ना रहेगा यहाँ, तो इस सब को क्यों ना एक ट्रिक के फ्रेम में बांध दिया जाए कि बच्चा जल्दी से समझ जाए। एक इसका आधा कर लो, यही तो बी है, और उसी का स्क्वायर, फिर ही घटा लो, यहां से तो ठीक ही है। तो ये ट्रिक बताए थे, उसका अनुसरण करेंगे और तोड़ लेंगे। इतनी बोलो तो x² + 8x + 9 कितना होगा, x + 8 का आधा का स्क्वायर अब +9, ये कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर में सेट हो गया। तो ये आप अपना तेजई दिखा सकते हैं, मैट्रिक के विद्यार्थी को पकड़िएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चैप्टर है, कंप्यूट द स्क्वायर एंड सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माने होल स्क्वायर में सेट करके तब सॉल्व करना है। तो सेट करता है वैसा ही टोटो के, a² 2ab, अभी यहाँ कौन सी लिखें, कटाएं घटाएं, उतना सोचता है।
उन सबको कहना बुला के, बालक देखो ऐसे बनेगा, इसका आधा कर दो यही घटा लो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। और इसको जीरो करके वहां जीरो ज निकालना होता है, आराम से इसको उधर भेज देगा, स्क्वायर हटा के रूट वगैरह लगा के आंसर निकाल लेगा। तो ये मैट्रिके में पढ़ना था, लेकिन वहां पर ट्रिक आप नहीं सीखे होंगे। हम आपको बता दिए, ट्रिक कुछ नहीं है, बहुत सिंपल बात है। जो ऑब्जर्वेशन होता है सेटिंग का, उसी को हम शॉर्ट कर दिए हैं। इसका आधा कर लो, स्क्वायर करो, यही चीज घटा लो, प्लस आंख बंद के पांच करो, ये जो आएगा निश्चित ही तोड़ के देखो इतना आएगा। ए स्क्वायर टू ए बी मने स्क्वायर मैंने दो दुना आएगो मिलके आ गया कि नहीं। तो ये सब बताए हम 7.4 में ही बताए हैं। बोले ना कि लॉकडाउन जो है ईसन गड़बड़ कर दिया है, कुछ बच्चा इसमें पढ़ लिया है, वो खूब मुस्कुरा रहा है, खूब हो रहा है, और जो नहीं पढ़ा है एकदम अंदर अंदर का कहे हम विपत्ति में है, उसको आपत्ति है, हर स्टेप में आपत्ति है कि कहाँ से लिख रहे हैं, कि जाई का हो रहा है, हम देखते हुए लिख रहे हैं। देखा इसका बताओ कैलकुलेशन कितना होगा, इस तरह से जोड़ घटाव होना चाहिए, 1/4 - 4 ना, 4 × 16 17/4 माइनस में आई माइनस वन से गुना होगा तो आई प्लस वाला। इसको हम सेट कर लिए होल स्क्वायर, कहाँ की अभी देखो, इसको भी स्क्वायर में लिखो, तो इस हिसाब से तो लोग चिबा जाना चाहिए। जगह कंसेप्ट बताए हैं टोटल, शुरू से जो पढ़ा है उसका तो कमजोर हो ही नहीं सकता। हाँ तो अब हम क्या लिखेंगे बालक, आई बराबर 0 से 2 ही रहेगा, कौन जेड थोड़े माने हैं कि लिमिट ले। I1 / खाली इसको तो नहीं, हम एगो स्टाइल मार के स्क्वायर में सेट किए हैं, √17/2 का माइनस x − 1/2 का इनटू dx सेट हो गया। अब इसके बाद हाँ बताओ कितना होता है, और देखते क्यों बोल रहे, खड़ा होके बोलो। हाँ तू देख के बोले, हम सुनेंगे नहीं, उसका सुनेंगे, तू उसको बोले ही नहीं दे रहा, हम उसका सुनेंगे, तू बैठ जा। हाँ बिल्कुल, a + x होगा, x - a बोल रहा है। अच्छा हमारा कान खराब है, देखो जिसको इसको याद है, मैंने याद है उसको हुआ ही आ रहा है, और जिसको नहीं है वो सोच रहा होगा क्या हो रहा है, ठीक है हो रहा है, जो हो रहा होगा बढ़िया है। अब देखिए तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना है, यहाँ फिर चूक गए आप लोग, किससे बनाना है, जेड मान के ही बनाना है, यहाँ पे कंडीशन है, तो इसमें जेड इसको तो मानेंगे नहीं, इसको मानेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, जेड मानेंगे, ऐसे लिख देंगे x − 1/2 इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन करेंगे यही ना, फिर कितना हो जाएगा बोलो, इसका तो 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाता है, कितना है dz/dx, dx बराबर कितना हो जाएगा, dz हो जाएगा। ठीक है, तू लोगों नहीं दिख रहा है, जस घर जा, दिख रहा है इधर नहीं दिख रहा होगा, सबको लैपटॉप इधर रख देगा, 1 मिनट सुन के ही संतुष्ट हो जा रहा है। वाह वाह वाह,
इसका लाइटिंग वहां कैसे बढ़ता है? सुन के संतुष्ट हो जा रहा है सर, इतना बढ़िया लड़का है सर। लैपटॉप उधर रख देगा, यहां से दिखेगा कि नहीं दिखेगा? लाइटिंग वहां कहां से पड़ता है इसका? कहाँ से बढ़ता है? बैटरी है कहती है। अरे रुको, ए गप नहीं करो, अब खोज ही लेते हैं इसको। ब्राइटनेस बोलते हैं, ब्राइटनेस चेंज, ब्राइटनेस लेवल यही है। थोड़ा बहुत हमको भी आता ना है, ये हम देते ना, तनी मनी जान गए तब बढ़िया वीडियो आ जाता है। अब कहाँ गया? यहाँ है, इसको पढ़ा करो। इसको तो नहीं ऊंचा कर देना। चलो जिसको नहीं दिख रहा होगा वो देखे। अब दिख रहा है, इधर के बच्चा सब के लिए खाली किए हैं, ठीक है? हाँ इधर का, तू लोग तो सामने देख ही रहा है, गिरेगा नहीं ना? नहीं गिरना तो। हाँ सुनिए, तो इसको हमने होल स्क्वायर में सेट कर लिया, सेट करके यहां लिख दिया। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन सवाल जो कह रहा है कि यूजिंग सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि से इसको बनाना है, तो इस हिसाब से आपको किसी ना किसी को जेड मानना पड़ेगा। पहिलका को जेड हम नहीं मान सकते हैं क्योंकि तो कांस्टेंट ना है, इसको हम जेड मानेंगे। जेड मान लिए, अब क्या करेंगे? इसका डिफरेंसिएशन होगा, इसका तो वन हो जाएगा, इसका जीरो, डीजेड अपॉन डीएक्स। यहां से मल्टीप्लाई किए, डीएक्स बराबर डी। अब पूरा मामला बदल जाएगा, यहां जीरो से टू एक्स का लिमिट है, और हमको अब लिखना होगा किसका लिमिट, क्योंकि अब इस पूरे को हम जेड के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमको करना होगा अपर लिमिट निकालना होगा, चला अपर लिमिट, अपर लिमिट दिख रहा है ना उधर? हाँ खूब दिख रहा है। जेड बराबर एक्स माइनस वन बाई टू, एक्स कौन सा एक्स इस्तेमाल करेंगे? तो टू माइनस वन अपॉन टू, थ्री बाई टू। फिर लोअर लिमिट निकालिए, लोअर लिमिट में जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई टू, एक्स का मान जीरो रख देंगे, यानी माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस वन अपॉन। अब आइए इंटीग्रेशन क्या होगा सो देखा जाए। लिमिट कहां से कहां तक? जीरो से टू तक, वन अपॉन रूट 17/2 का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर है। लिमिट गलती लिख दिए, लिमिट हमको लिखना है -1/2 से, -1/2 से। देखिए क्या होगा, और इसको तो हम जेड माने हैं, इतना माइनस जेड आई टी एक्स वा के जगह पर कितना हो जाएगा? तो यहां हो जाएगा। अब यहां के लिए फॉर्मूला है बहादुर, इंटीग्रेशन 1/a² - x² और ये होता है 1/2a। 7.4 में ही बताए हम, बोल ही दिया कि सवाल 7.4 का है, यहां पे खाली लिमिट लगा है बस। सेम टू सेम ऐसा सवाल वहां बना होगा।
प्लस सी इनडिफिनिट है, इसलिए ये फॉर्मूला होता है चला प्रूफ किए हुए हैं। अब इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, वन अपॉन टू ए, ए कितना है, लॉग ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, प्लस सी नहीं लिखेंगे इसको, लिमिट नहीं, माइनस वन बाई टू से बस अभी सॉल्व हो जाएगा। दो से दो डायरेक्ट कटता है, इनडायरेक्ट वो कहेगा थोड़े कि हम नुका जा रहे तो काट दो, वन बाई रूट सत्रह, अपर लिमिट पहले पुट कीजिए, तो इसमें भी हम डायरेक्ट पुट करने वाले हैं, देखिए सीखिए बढ़िया, लॉग ऐसे होता है, चलो जा जाके लेके आ जा, एक आदमी जाओ, दो आदमी सहबो लिया जाएगा, एक आदमी तीन बटा दो रखिए, पहले अपर लिमिट रखिए, यहां जब हम तीन बटा दो रखेंगे, यहां तीन बटा दो रखेंगे तो दो लघुतम लेंगे, दो से दो कैंसिल, बहुत दूर का सोच रहे हैं हम, तो क्या मिलेगा बताओ, प्लस थ्री अपॉन रूट सत्रह माइनस तीन, बस तीन बटा दो रखेंगे ना, बटा का जोड़ लेके कटाएंगे तो ये आएगा, घटाओ लॉग, अब माइनस वन बाई टू रखिए तो दो खत्म हो जाएगा, रूट सत्रह माइनस वन है नीचे, रूट सत्रह प्लस वन आएगा, रूट सत्रह माइनस वन और रूट सत्रह प्लस, हमारा सलाह है कि आंसर यहीं पे आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन आपके किताब में तो माना नहीं होगा, माइनस में है तो बटा में लाया होगा, परमेकलन करेगा, गुना उना करेगा, पूरा एक पेज भरपेट लगेगा तब जाके आंसर तक पहुंच पाइएगा, तो आंसर यही हो गया, कैलकुलेशन थोड़े ज़्यादा करना है आपको। अगर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो कैसे बढ़ाएंगे, हम हिंट दे देते हैं, घर पे पर्याप्त समय रहता है, पर्याप्त कॉपी है आपके पास, हमारा बोर्ड भर जाएगा, इसलिए सुनिए, लॉग एम माइनस लॉग एन ये होता है लॉग एम बटा एन, रूट सत्रह प्लस तीन, रूट सत्रह माइनस तीन, रूट सत्रह माइनस वन, रूट सत्रह, अब एक बटा रूट सत्रह लॉग रूट सत्रह प्लस तीन, रूट सत्रह माइनस तीन, ये उलट जाएगा, रूट सत्रह प्लस वन, अब क्या होगा, इससे इसमें गुना होगा, लास्ट में जो बचेगा ना उसका रेशनलाइजेशन होगा तब जाके आंसर तक पहुंचिएगा, तो आंसर यहां भी छोड़ सकते हो, आगे भी बढ़ा सकते हो, हमारा सलाह है कि यही तक आंसर रखिएगा, ठीक है। हालांकि एग्जाम में जो भी पूछा जाता है, तो प्रैक्टिस के लिए ना किताब में दिया हुआ है, एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह से लटेंग वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो कैलकुलेशन में लगेगा तीन घंटा लगा लेगा, वहाँ एक समय फिक्स होता है कि तीन घंटा में बच्चा को इतना क्वेश्चन करना है, तो यहाँ तक भी बना देंगे तो चलेगा, चूंकि आंसर शीट तो फाड़ के आप लेके जाइएगा नहीं एग्जाम में, चाहे सही करने वाला भी आंसर शीट नहीं रखा होगा कि हाँ हाँ मतलब देख के तो सही नहीं करेगा, सब्जेक्टिव का तो स्टेप सही होता है कि आप इसमें क्या किए हो, सब्स्टिट्यूशन कह रहा है कि वो विधि लगाए हो कि नहीं, इंटीग्रेशन का चिन्ह हटाए हो कि नहीं, तो हटा तो दिए हैं, पॉसिबल कैलकुलेशन किए हो कि नहीं तो कर दिए हैं, ठीक है, नहीं तो ई वर्क आपको दे दिए कि इससे इसमें गुना करके अब मिला लेना आंसर अपना से, मिला लेना, जाओ आगे बढ़ाकर मिला लेना आंसर, मिल जाएगा। अब बोलो बालक, और किस सवाल में आपको दिक्कत था, इसमें किसी को कुछ पूछना है जी, देखो हम बात क्लियर बता रहे हैं, इस 7.4 जो पढ़ा है ना उसी को बढ़िया से बुझा रहा होगा, बाकी लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन अब बताएंगे ना, और प्रॉब्लम बच्चा सबको होगा तो आए? कौन
कौन इंस्पेक्शन मेथड है? 7.1 3x² प्लस, मैं 7.1 है, मैंने बताया वो विधि, अरे बता देते पहले इतनी क्लियर कर ले, 7.10 आपको खड़ा कराएंगे हम इसमें। और कौन पूछना है? लो अब कहाँ इसमें दिक्कत हो गया है बालक आपको, ये 2x को z मान लेंगे तो देखते लग रहा है कि इसको z मानना चाहिए, क्योंकि e का पावर खाली x ना होता है, 2x थोड़े होता है, 2x को z मान लेंगे, बन गया सवाल। लेट 2x बराबर, डिफरेंशिएशन कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये, यहां से dx कितना हो जाएगा, dz अपॉन 2। अब कौन सी निकाल लेंगे, अपर लिमिट कितना होता है, z बराबर 2x माने यहीं से अपर लिमिट मिलेगा, z का यहीं से बड़ा वैल्यू निकालना है, तो x कौन सी इस्तेमाल करेंगे तो कितना हो जाएगा, बढ़िया उसी दिख रहा है ना, थोड़ा सा तो लैग करेगा लाइव में भी, हाँ वाईफाई से डायरेक्ट कनेक्ट करें तो उतना टाइमिंग नहीं लेगा। चलो लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्योंकि यहां से हमारा सिग्नल जाता होगा कहीं अगल बगल टावर में, टावर से उसमें आता होगा तो थोड़ा सा उस समय लेगा नहीं, लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा, जेड बराबर 2x, 2 × x का मान कितना है, 2 हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, तो ये मेन है, ये मेन है जो सब्स्टिट्यूशन विधि से बनाना होता है ना, तो ये मानने जानने वाला बात जो होता है ये टफ बात है। ये बहुत यूनिक चीज है जो ही आई आपके लिए नया नहीं होना चाहिए, लेकिन हम बोली ना जो पीछे का पढ़ाई नहीं है उसके लिए तो ये बिल्कुल नया ही है, वो कितना कष्ट देता होगा सो हम ही समझ रहे हैं, जिसको नहीं बुझाता है क्लास में फिर भी वो बैठा है, बाप रे हिम्मत है उसका, तो हिम्मत टूट जाएगा कि क्या हो रहा है। तो आई कितना हो जाएगा, अब लिमिट बदलिए, 1 से 2 नहीं लिखेंगे, अब 2 से 4 लिखेंगे, और सुनिए यहां 1/x है, 1/x के जगह पर कितना पुट करेंगे, z बाई टू मत रो 2x² यानी z/2 का इंटू dx के जगह पर, अब सुनिए 2 से 4 पलट जाएगा 2/z, z² / 4 कटेगा 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/2 e का पावर dz/2, और लिख देते हैं क्वेश्चन BVI है, ऐसा पूछा है क्वेश्चन बोर्ड में, आप देखना, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अब यहां से 2 कॉमन लेना लो, अब 2 से 2 को कचर दो, कितना बचेगा 1/z माइनस 1/e के पावर इंटू जायका कर दिए, e के पावर को पहले लिख दिए, 1/z बचा उसको लिख दिए, माइनस 1/z² बचा उसको लिख दिए, नहीं बुझाया,
ना ना ना, फिर देखो एक चांस और हो जाओ, देखो ई के पावर जेड दू कमन लेकर कट गया, समझो दू नहीं है, वन अपॉन जेड, वन बटा जेड स्क्वायर टी जेड, इतनी स्टाइल में लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं कि अब फॉर्मूला पता है आप लोगों को, कोई है हिम्मत करके खड़ा हो जाए जिसको उसका फॉर्मूला पता, ई के पावर एक्स वाला, खड़ा हो जा बोलो, नहीं अब आप कुछ दूसरे रूल को रिपीट कर रहे हो बार बार, वो भी कुछ अलग दुनिया में घूम रहा है, आप सुनिए हम बता रहे हैं, कुछ गोला इस टीवी में घूम रहा है, यहाँ देखो बताए थे कि ई के पावर 100 इसका डिफरेंशिएशन ई होता है, ये दोनों आंसर होता है, तो तू कह इसमें लॉग लगा देंगे, लॉग भगा देंगे, कहाँ से लॉग लगाएंगे, देखिए एक फार्मूला ई बताए थे जिसको जो पढ़ा है उसको थोड़ा बहुत याद है, ई के पावर एक्स कोई फंक्शन हो और इसी का डिफरेंस, इसी का डिफरेंशिएशन यहां मौजूद हो, तो यही दोनों आंसर होता है, ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, बताओ मैंने तू लोग कहीं ना पढ़ा है, ये हम प्रूफों किए हैं, इस पर सवाल भी बहुत सारा बनवाए हैं, अब फिर सवाल आया तो मामला गोल, तो यहां कौन आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा e के पावर जेड इंटू, चूंकि इसी का ही डिफरेंशिएशन है, वन बाई जेड का डिफरेंशिएशन, तो ये आंसर हो जाएगा दो से चार, अब लिमिट रखेंगे आंसर मिल जाएगा, फिर समझा दे रहे, देखो यहां 2x को क्या माने, डिफरेंशिएशन किए, अपर लोअर लिमिट निकाल लिए x का मान बड़का और छोटका रखकर, जहां एक्स है वहां जेड बाई टू ऐसे करके किए हैं, ई का पावर जेड हो गया, डी जेड बाई टू हो गया, ये पलट गया है, दू कमन लिए कटा दिए, जो बचा वो सामने है, अब इसके बाद आप कितना हूं भूता लगा लोगे, आपसे नहीं बनेगा जब तक फॉर्मूला नहीं पता होगा, फॉर्मूला पता है, कितना फॉर्मूले लिखा है, 32-33 को फॉर्मूला लिखा है, आपसे जितना दिन से कह रहे हैं उतना दिन में तुम रोट टोट के चाट गया रहता है सबको, ये दोनों आंसर होगा, अब इसमें मान रखेंगे क्या होगा, मान बताओ e का पावर 4/4 लोअर लिमिट रखिए, e का पावर 2/2 लघुतम ले लीजिए 4, e 4 दो दूना 4 स्क्वायर कमन हो जाएगा, आंसर हो गया, बोलो इसमें समस्या, समस्या तो होना ही है, फॉर्मूला नहीं याद है तो महा समस्या है, फॉर्मूला याद है तो कोई समस्या नहीं, समझ गए बात को, दो सवाल बनाए दोनों बेजोड़ सवाल है, 7.10, अब बताओ ना बालक किस, 9 नंबर, भाई भरपेट पूछ रहा है, सब पूछ रहा है, हाँ 9 भी बढ़िया सवाल, कहने के लिए ऑब्जेक्टिव है, एनसीईआरटी में ऐसे किसी भी सवाल का आंसर गलत नहीं दिया रहता है, अमूमन इस सवाल का आंसर गलत दिया है, पुरनका किताब में हो सकता है नया जो कसवाया हो उसमें ठीक कर दिया, देखिए इस सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, 1/3 से 1 एक्स माइनस एक्स क्यू का पावर 1/3 / x^4 इंटू डी एक्स, यही क्वेश्चन है, अब इसमें सोचना है ऑब्जेक्टिव,
जेड डॉट मानने के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे या मान भी सकते, सब्स्टिट्यूशन वाला है तो जेड मान के ही बनाते हैं। देखते हैं आगे जैसा होगा वैसा देखें। पहले इस सवाल में क्या करना चाहिए हमको बताओ, एक चीज तो आइडिया आपको लग गया होगा कि फ्रैक्शन और एक्शन में पावर रहता है तो अंदर वाले को क्या माना जाता है, जेड वगैरह माना जाता है। लेकिन यहां पे बटा में कितना है, इसको जेड मानने से 1/x^4 नहीं आएगा। तो देखिए हम यहां बुद्धि है ये स्टेप में, ये स्टेप में दिख रहा है, हम पूरा ढक गए तो भी दिख रहेगा, चलो तो उसी पर देखो ताकि थोड़ा सा और क्लीन कर दें इसको। यहाँ से सेटिंग है 360 पे है, 720 पे करने का साफ आईना खुल जाएगा, लगेगा कि एकदम पर्दा पे देख रहे हो। 1/3 से 1 ज्यादा दिक्कत होगा तब एक आध साल और कुछ कमा लेते हैं तो उस पर वो बड़का टीवी ही लगा देंगे ऐसा ही, मैंने इससे थोड़ा सा छोटा जिसमें कुछ बच्चा उस पर देखेगा, वो हमारे एस्टीमेट में है लेकिन फिर धीरे धीरे। सुनिए x-x³ का पावर कितना है, 1/3 है, तो इसमें से हम x³ कॉमन ले लेते हैं। अभी बर्दाश्त कर जाओ, यह होगा तुम की कथी लिख दिए, इसमें से x³ निकाल लो, 1/ यहां से x³ निकाल लो, पावर में बटा में इनटू में डीएक्स। ये बड़ी कष्टदायक हुआ होगा आपके लिए, क्या कॉमन लिए हैं पूछेगा, x³ कैसे कॉमन ले लिए सर, आप तो रट गएगा कहां से x³ आ गया। अरे x³ इसलिए कॉमन लिए हैं, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, ये कहां निकल जाएगा, x बाहर निकलेगा, x से ही कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा x³। अब इसको जेड मानेंगे तो उसका x³ डिफरेंशिएशन आ जाएगा, 1/x² का डिफरेंशिएशन 1/x³ होता है, तो थोड़ा सा इसमें सोचना है। तो हम इसमें से x³ कॉमन ले लिए, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, भारी है, बदमाश क्वेश्चन इसको हम बोलते हैं। अब देखिए क्या होगा, ये 1/3 से 3 से 3 क्या निकलेगा, इसके पावर में तो ही रहेगा ना जी, 1/x²-1 का पावर बटा में x⁴ इंटू dx। अब कटेगा, x³ मतलब, अब इसको जानते हैं हम कैसे लिखते हैं। ये देखो कितना बदमाशी किया है, ऑब्जेक्टिव में दिया है, ये ऑब्जेक्टिव में एक लाइन में बनने वाला है, बदमाशी दूसरे कथे। अब देखो कहां से कहां तक, 1/3 से इसको 1/x²-1 का पावर 1/3, और जो बटा में है ना इसको अलग लिख लेंगे, 1/x³ इंटू, अब आप यकीन मानो इसको जेड मानिएगा ना तो ये डिफरेंशिएशन में टोटल चला जाएगा, जेड का पावर 1/3 का इंटीग्रेशन आसानी से हम कर सकते हैं, पावर में एक जोड़ के उसी से भाग देकर। अब उधर सबसे पीछे बेसिन है और उसमें नल लगा हुआ है, पानी देता है, आंख में मार के आइए, अभी नहीं आए आप ना, तुम्हारे आगे ही तुम्हीं को बोल रहे हैं, तुम्हीं को व्हाइट शर्ट, हाँ पानी मार के आ, रिलैक्स मूड में हो जाएगा, दूसरों से पीछे बेसिन है। चलिए आप सुनिए, आप लोग इसमें भी जिसको भकवैनी आ जाए उसी लिए वो बेसिन लगा हुआ है ना, तो पीछे बेसिन लगाने का क्या मतलब है, तो इसमें थोड़ी खैनी खा के आएगा तो थूकने के लिए लगाए, आंख में पानी मारने के लिए लगाए। आप सुनिए, तो x³ को इधर कर लिए,
अब हम किसको जेड मानेंगे? ई वाले को जेड मानेंगे, समझ रहे हो बात को? क्यों जेड मानेंगे? इसको जेड मानेंगे तो डी जेड में खर्चा हो जाएगा, अतः इंटीग्रेशन में जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है बड़ा सा, वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, आसानी से फॉर्मूला अप्लाई वहां हम कर सकते हैं। वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम क्या मान लेंगे? जेड मानेंगे। अब इसको ऊपर लेकर जाइए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, हो लिमिट टूमिट भी बदलना पड़ेगा ना, बहुत लफड़ा है इस सॉल्वर में। इसका पावर गुना में आएगा, इसके पावर में से वन का जीरो आई डिजिट अपन, फिर कितना हो जाएगा? माइनस टू अपॉन एक्स क्यू डिजिट अपॉन, फिर क्या हो जाएगा? वन बटा एक्स क्यू इंटू डी एक्स, कितना होगा बोलिए? बटा में आ जाएगा, तो हाई जितना है ना, सबके जगह पर क्या लिख देंगे, हल्का नहीं हो जाएगा? माइनस एक बटा दो बाहर निकाल लेंगे, बहुत हल्का हो जाएगा, और ये जेड हो गया। अपर लोअर लिमिट भी निकालना है, इधर नेक्स्ट पेज पर निकलेगा। अपर लिमिट जेड किसको माने है? चला वन बटा एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन बटा एक्स स्क्वायर माइनस, अपर लिमिट में एक्स का मान क्या पुट करेंगे? वन 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 जीरो। अब कौन सी लोअर लिमिट? जेड कितना होगा? वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कितना है? वन अपॉन थ्री का तीन तिहाई, नौ पलट जाएगा ऊपर नौ में से क्या, अब सुनिए, देखो अब इंटीग्रेशन कितना हो गया, लिमिटवा कहां से कहां तक? आठ से जीरो आई जेड हो जाएगा, इसको हम जेड न माने हैं, जेड का पावर वन अपॉन थ्री, और उतना के जगह पर माइनस टी जेड अपॉन, बस हो गया, माइनस एक बटा दो को बाहर कर ली, हॉलुक हो गया। अब हॉलुक क्या होता है? इंटीग्रेशन पावर में एक जोड़ते हैं, एक बटा तीन में एक जोड़ेंगे, बटा के जोड़ सबको आता है चार बटा तीन, और उसी से कहां तक? एक बटा दो आई ऊपर आएगा, पलट जाएगा, जेड के पावर चार बटा तीन, आठ से जीरो तक कितना हो जाएगा? आ गया लाइट, पंखा ऑफ कर दिया, सब एक ही बार पूता आ जाएगा, बंद हो जाए, पंखा को बंद करो, पांच मिनट बंद करो, उधर का ही बंद करो, वहां वहां स्विच है तुम्हारे बगल में, सब बंद करो, वहां का बंद करो, इन्वर्टर है इतना देर चलेगा नहीं, फैली जनरेटर है वो, ऑफ करो, वहां का ऑफ करो, वेट कर रहा है कि बैटरी खत्म हो जाए। चलिए अब सुनिए, लाइट आ गया लेकिन कभी कभी कट रहा है ना, इसलिए दो मिनट आप लोग ऐसे ही बिना पंखा चलाए देखो, तो बंद कर दो बस। आ सुनिए, देखिए बिना पंखा का देखिए कितना बढ़िया मधुर आवाज आपको सुनाई देगा। तो ये माइनस थ्री बाई एट हो गया, लिमिट रखेंगे कितना होगा? जीरो टू द पावर फोर बाई थ्री और एट टू द पावर फोर बाई थ्री, माइनस थ्री बाई एट ये जीरो हो गया, एट को टू का क्यू लिखेंगे, फोर अपॉन थ्री पहले से है, थ्री थ्री माइनस थ्री बाई एट गुना माइनस दो के पावर चार, दो दुना चार दुना आठ दुना सोलह, कट गया तीन दुना छह आंसर हो गया। तो आप
चार्ट लगा लीजिएगा कौन सा है। ऑप्शन ए होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। किताबों में सही सी दिया है का, जो तीन या चार दिया है, लेकिन होगा कौन सी, छ होगा, क्योंकि पूरा ऑथेंटिक आपके सामने बनाए हैं। यहाँ मेन बुद्धि यही है, यह बुद्धि बच्चा लोगों को नहीं आता है कि इससे आगे बढ़े, यहाँ पे आके फंस जाता है मामला। लेकिन कुछ अच्छा क्वेश्चन है जिसमें प्रैक्टिस करने से ये सब बात दिमाग में रहेगा कि कुछ इस टाइप का कभी मिले, यही सब ना अभ्यास होता है, और इसको बिना देखे खुद से आप बना लीजिएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन का पहचान हो जाएगा। ठीक है, एक बढ़िया बदमाश से पला पड़ जाए तो बाकी को देखते चिन जाएगा कि यो उसी टाइप का है वैसे। हाँ कथी पूछ रहा था। अच्छा, हाँ, काम मेथड से बनाना, इंस्पेक्शन मेथड से। रुको क्वेश्चन लिख लेने दो, इंटीग्रेट बाई इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड ये आधारित है 7.1 पर। ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेस्ड है कितना पर, 7.1 में प्रथम पांच को क्वेश्चन बताए थे, क्वेश्चन नंबर 1-5 जैया इंटीग्रेशन शुरू किए थे उसी दिन ये विधि बताए थे, इस पे क्वेश्चन भी कराए थे। आज इनका क्वेश्चन इसी का एक आ गया, ये एग्जांपल से ढूंढ निकाले हैं क्वेश्चन। बोलिए बैठ जाइए, इसका इंटीग्रेशन करना है इंस्पेक्शन विधि से। इंस्पेक्शन विधि उल्टा विधि होता है, केवल एनसीईआरटी ने पांच को क्वेश्चन दिया है, बाकी दूसरा कोई पब्लिकेशन का किताब उठाइएगा तो इंस्पेक्शन विधि उसमें नहीं दिया है। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी सिलेबस है आपका तो बोर्ड में पूछ सकता है क्वेश्चन, तो इसको बनाना चाहिए। तो मैक्सिमम लोग इस विधि को बताता भी नहीं है, क्योंकि एक तो उल्टा पुल्टा बात है और दूसरा बात ये अदर किताब में है भी नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं। इसमें पहले आपको सोचना होता है कि यह राशि किसका डिफरेंशिएशन है, 3x² + 4xq किसका डिफरेंशिएशन है, यही सोचना होता है। अगर ये वाट का डिफरेंशिएशन ही है तो इसका इंटीग्रेशन वाट हो जाएगा, यही उल्टा विधि को इंस्पेक्शन विधि कहते हैं। तो पहले कोई भी सवाल दिया हो जिसको इंटीग्रेट करना है, जिसका इंटीग्रेशन निकालना है और वो भी इंस्पेक्शन विधि से, तो पहले सोचना होगा कि दिया गया फंक्शन किसका डिफरेंशिएशन है। अब आइए इसको हम भी सोचवा रहे कैसे, 3x² किसका डिफरेंशिएशन होगा, एक्स क्यू का। जिसका डिफरेंशिएशन मजबूत है वो तो ही समझ जाएगा, अब होना भी चाहिए मजबूत तबे आप इंटीग्रेशन पढ़ सकते हो, बिना डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कैसे पढ़िएगा। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, पहले डिफरेंशिएशन आएगा तब ना पलटी मारिएगा, नहीं समझे। तो 3x² किसका डिफरेंशिएशन, अब 4xq, बस हो गया कहानी खत्म। ये पहचानने आ गया ना, अलग अलग कर दीजिए, dx³ / dx, dx⁴ / dx। अब यहाँ पर एक फार्मूला काम करता है x⁻n का, सॉरी डिफरेंशिएशन है dx⁻n / dx का कितना होता है nx⁻। इसी फार्मूला के मदद से ये आ गया, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन इतना है इसलिए इसका इंटीग्रेशन ई हो जाए। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 3x² + 4xq कितना हो जाएगा, xq+, इनडिफिनिट है तो सी जोड़ दो यही। हम तो इससे भारी बताए हैं, हम तो बहुत भारी भारी, अभी जो पांचों क्वेश्चन बताए हैं इसमें बड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, हई तो लावा गोली आई ना बुझाल कि 3x² का थी डिफरेंशिएशन बोला xq के, 4xq किसका है, पावर गुना में करके करेंगे। पहले समझ जाना है कि दोनों किसका डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन करके दिखा भी दो कि इसका डिफरेंशिएशन ई तो इसका इंटीग्रेशन ई, मतलब ऊ आंसर हो। और पूछो कर, किसे पूछना, पूछना लो कौन उतरना है कि हाथ उठाएगा तुम्हारा, हाँ इसमें कहोगे कि और कुछ है इसमें, अरे पूछना लो एक और ऑब्जेक्टिव बना देंगे, अरे नहीं चुके है बन गया है।
तो सब बना के हम वीडियो भेजे हैं, इधर का एक दो को शायद नहीं बनाए थे, 6 से नहीं है। हाँ तू बनवाइए लिया हमसे, हम ऐसे प्लेलिस्ट इस साल चेक करेंगे सब प्लेलिस्ट की, किसमें किसमें एनसीईआरटी के कुछ सवाल बच गया है, हालांकि मैक्सिमम का बना ही दिए हैं, लेकिन फिर भी ऐसे ही कुछ कुछ बच गया। अब देखो इस साल भी अगर सोचे तो ही बच ही जाएगा, क्योंकि क्लास में बना दिए, अब ई तो अपलोड हुआ नहीं, मैंने एनसीईआरटी वाले सोल्यूशन लेकिन थ्योरी में बन गया, वैसे ही पिछला साल भी अब थ्योरी में बनाए होंगे, ऐसा नहीं है कि चैप्टर का सवाल हम छोड़ दिए होंगे, पिछला सवाल तो सब प्राइवेट है। 7.11 में बोलो ना चला, 7.1 से लेकर 7.11 तक का प्लेलिस्ट हमारे पास है एनसीईआरटी के कंप्लीट सॉल्यूशन का, वो लेकर आप हर एक्सरसाइज का, पहले वो थ्योरी वाला अलग कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसमें थ्योरी पढ़ाए हैं, उसके बाद एक्सरसाइज का अलग कंप्लीट लिस्ट है, तो ये दोनों प्लेलिस्ट आप व्हाट्सएप करके हमसे ले सकते हो, रोज एक एक लेक्चर आप देख के खुद से कवर कीजिए, तब तक जब तक कि दोबारा फिर इंटीग्रेशन हम ना पढ़ा दें, दोबारा तो हम फिर पढ़ाएंगे 12 बजे वाला में, अभी 12 बजे वाला में डिफरेंशिएशन चल रहा है, स्टार्ट किए हैं शुरू से, तो आज हम 5.2 का थ्योरी कराएंगे, 5.1 से कैलकुलस शुरू है, 2-3, 5-6 क्लास पढ़ाए हैं उसमें, आज पढ़ाएंगे उससे आगे डिफरेंशिएशन से होते होते उसमें भी इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, तो उस समय तो हो ही जाएगा, लेकिन उस समय दोबारा होगा तो कितना मजा आएगा, एक बार में तो ये होता नहीं है, और उस समय भी असकत आइएगा नहीं, जब थ्योरी हम खत्म करें तो एक्सरसाइज उसी समय उसको बना लीजिएगा, तो अभी कष्ट हो रहा होगा कैलकुलस में बहुत बच्चों को, लेकिन अब मजबूरी है देख के कष्ट, फिर भी इतना होता है कि सब हम देख रहे हैं फिर भी छुपाए हुए, आपका कवर हम फिर कराएंगे ठीक। तो बात ये हुआ, दूसरा बात, अच्छा ऑनलाइन वाला भी सुन लेगा ठीक है, कल शुक्रवार है, शुक शनिचर इतवार 3 दिन आपका क्लास बंद है ठीक है, हमको नहीं जाना है कहीं जाना है, तो ये मैंने हमको लग रहा है कि हमको पूरा कोरोना काल में 3 दिन बंद था, बुखार था तब, और कितना न्योता कार्ड आते रह गया कहीं नहीं गए लगातार पढ़ाई, लेकिन ये 3 दिन आपका बिल्कुल ही बंद रहे, तो आप इसमें तब तक कवर वगैरह सवाल वाल बना सकते हो, फिर सोमवार से फिर कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद फिर एक भी दिन बंद नहीं रहेगा, तो आप क्लास फिर कब से आइएगा, सोमवार से, तो 2 दिन आप नहीं जा रहे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जगह में जा रहे, आज वाला सब चलेगा, कल वाला भी फर्स्ट ईयर चलेगा 7:00 बजे, वो पढ़ा के ही जाएगा ठीक है, 7 बजे वाला हम आराम से पढ़ा सकते हैं, आपको पढ़ाने लेंगे तो विलम्ब हो जाएगा, फिर नहीं पहुंच पाएंगे, जहां जिस काम के लिए जाना है लेट हो जाएगा ठीक, तो बस 2 दिन आपके लिए कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आपसे वो 2 दिन हम मांग रहे हैं कि 2 दिन हमको दे दो,